रुको रुको, टाइम आने पे रुको। जिस तरह आपके ढेरों को कोई खा नहीं सकता, पृथ्वी को ऊंचा उठा नहीं सकता, सागरों को जैसे कोई सुखा नहीं सकता, पर्वत हिमालय जैसे कोई हिला नहीं सकता, सूर्य देव को जैसे कोई बुझा नहीं सकता, उसी तरह इस बार डेडिया पारा में कांग्रेस की ताकत को कोई तबाह नहीं सकता। हेलो भाइयों, मैं आपको धन्यवाद करता हूं। जैसे नर्मदा माई में बहता हुआ कोई तिनका किसी शिवलिंग के ऊपर टिक जाए तो कैसा महसूस करेगा, वैसे सिद्धू आपके बीच में आके महसूस कर रहा है। ये मेरे लिए गौरव की बात है कि मेरे रहनुमा अहमद पटेल साहब, जो संस्था स्वरूप है कांग्रेस के लिए, आकाश की कोई सीमा नहीं, पृथ्वी का कोई तोल नहीं, साधु की कोई जात नहीं, और पारस और अहमद पटेल साहब का कोई तोल नहीं, कोई मोल नहीं। आज उनके साथ और आप सबके साथ बात करने का मौका मिल रहा है आप सब, और ये सम्मान योग मंच मेरी पगड़ी के समान है, पगड़ी के समान। मैं आपको झुक के नमन करता हूं। झुकते वो हैं जिनमें जान होती है, अकरना को मुर्दों की पहचान होती है। कल की बात है, मोदी साहब अपने ड्राइवर को बोले हटो, आज कार मैं चलाऊंगा, हटो। तो ड्राइवर बोला साहब ये कार है आपकी सरकार नहीं, जो राम भरोसे चल जाएगी। ठोको ठोको ताली ठोको। मैंने फिल्म देखी थी हीरो नंबर वन, तुमने देखा? एक फिल्म देखी थी बीबी नंबर वन, तुमने देखा? एक देखी पूरी नंबर वन, देखा? अब मोदी साहब का फिल्म आ रहा फेकू नंबर वन। तारीफ को झूठा नंबर वन। महात्मा गांधी की इस धरती पे गुजरात में उन्हें बड़ा अफसोस है कि इस धरती में महात्मा गांधी जैसे सत्य पे खड़े, धर्म में खड़े महात्मा को जन्म दिया, और इस धरती ने हिंदुस्तान के सबसे बड़े गप्पी और झूठे प्रधानमंत्री को जन्म दिया। मच्छर को कपड़े पहनाना हाथी असंभव बात है। ठोको ताली। मैं सच बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं? बात सही है कि नहीं है? ये लड़ाई सच और झूठ की है, ये लड़ाई धर्म और अधर्म की है, ये लड़ाई किसान की पगड़ी की लड़ाई। पगड़ी संभाल जाता, पगड़ी संभालो, पहनिया ने आके तेरा लुट लिया माल। ये लड़ाई अखंड भारत की है, तोड़ने वाले को मान मिलेगा और तोड़ने वाले को अपमान मिलेगा। ये लड़ाई औरत के सम्मान की है, इसलिए इस लड़ाई में हिंदुस्तान की तरफ खड़े होकर वोट डालना, गुजरात की तरफ खड़े होकर वोट डालना, इन झूठे लोगों के झांसे में मत आना। ये नरेंद्र भाई मोदी से मेरा पहला सवाल है कि 2014 में 314 संकल्प किए थे नरेंद्र भाई मोदी तुमने, 314 संकल्प, 364 लिख के पूरा मैनिफेस्टो रिलीज किया था। तो मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं, क्या 2 करोड़ नौकरी मिली सबको? मिली? क्या 15 लाख रुपए आए? हर एक की जेब में आए? निकालिए नहीं आए? गंगा साफ हुई? लोकपाल बना? तो मेरा क्या बाबा जी का टुल्लू? ठोको ठोको ताली ठोको। झूठ पर झूठ, शरीर और तारीख पर तारीख, झूठ पर झूठ, झूठ पर झूठ। प्रधानमंत्री झूठ में
आपको कहता हूं तो दूध को भट्टी पर रख दो तो दूध का उबलना निश्चित, और जनता में रोष आ जाए, आक्रोश आ जाए, गुस्सा आ जाए तो सरकारों का उलटना भी निश्चित। और ऐसा नौजवान लड़का अहमद भाई ने दिया है तुम्हें, शेर खान का नाम, नाम में ही बड़ा मजा पड़ेगा, शेर खान पठान आ गया। शेर चला करते हैं, खुदार चला करते हैं, सर सर ऊंचा करके काम पे, शेर खान पठान जैसे जवान चला करते। ये लड़ाई आज ऐसी खड़ी करके जाऊंगा, पोतले खोल दूंगा मोदी साहब, पोतले खोल दूंगा, याद रखना बेटा। बात करोड़ों की मोदी, नरेंद्र मोदी, बात करोड़ों की, दुकान पकाड़ों की, संगत पकाड़ों की, चौथीला वारेवा, अरे चीन समंदर के नीचे रेल लाइन बिछा रहा है, अमरीका मंगल ग्रह पर जाकर जीवन खोज रहा है, रूस रोबोटिक सेना बना रहा है, और हिंदुस्तान चौकीदार बना रहा है, वो भी सेना के चोर बना रहा है। वाह क्या बात है मोदी साहब, मैं फकीर हूं, मैं स्वयं सेवक हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, है क्या मैं फकीर हूं, मैं कार्यकर्ता हूं, मैं स्वयं सेवक हूं, अरे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री को बनकर दिखाओ पहले। सारे देश में हाहाकार मचा हुआ, सारे देश में हाहाकार मचा हुआ है, जगह जगह पे लोग अपनी रोटी की बात कर रहे हैं और कह रहे हैं काहे का तू चौकीदार है, काहे का तू चौकीदार है, सारे देश में हाहाकार है। नोटबंदी और जीएसटी ने, नोटबंदी और जीएसटी ले बैठा दुकान पे, कर्जा ले बैठा किसान को, और नशा ले बैठा नौजवान को, अरे 15 लाख का अभी तक इंतजार है, काहे का तू चौकीदार है। देश में मचा हाहाकार, मोदी आया न्यूज बंद, मोदी आया व्यापार बंद, मोदी आया दुकान बंद, मोदी आया किसान खत्म, मोदी आया छोटा व्यापारी खत्म, अगर अब की बार मोदी आया तो हिंदुस्तान खत्म हो जाएगा, हिंदुस्तान खत्म। दोबारा नहीं है बाबों से बैठी जिसमें रसदार नहीं, वो हृदय नहीं है पत्थर है, जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। आपको पूछना है आदिवासी भाइयों, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि हम लोग वचन पे खड़े हैं, हम लोग सच्चाई पे खड़े हैं, हमारा विश्वास करो। राहुल गांधी वो इंसान है जिसने 3 सूबों में, महाराष्ट्र में ये कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, जैसे ही सरकार ने करीब 2 घंटे में 50 लाख किसानों का कर्जा उनका माफ हुआ। और आज मैं राहुल गांधी का सिपाही, अहमद पटेल साहब का सिपाही आपको यह कहता हूं, एफआरसीसी एक फॉरस्ट बन चुका है। बहनों भाइयों, आदिवासी बहनों भाइयों, आपकी जमीन जिसकी आपको चिंता है, 12 लाख लोग तो वहां से खदेड़ने की बात करते हैं, खाली करवाने की बात करते हैं। कांग्रेस की जिस दिन सरकार बनेगी 1 महीने में उस जमीन के आप मालिक हो गए, आप मालिक हो। इबादत नहीं है सिर्फ मालों को भुना देना, इबादत है किसी भूखे को रोटी खिला देना, किसी रोते हुए को हंसा देना, किसी उजड़े हुए को बसा देना, ये इबादत है। और तुम क्या कर रहे हो, पेट खाली है और योगा कराया जा रहा बाबा राम के पेट में, मतलब पेट खाली है और योगा कराया जा रहा है, और जेब खाली है और खाता खुलवाया जा रहा है, और पेट में खाना नहीं शौचालय कमाया जा रहा है।
से, राफेल जहाज फ्रांस से, आएगरी फ्रांस से, बुलेट ट्रेन जापान से, तो भारत वालों को क्या कराओगे मोदी जी? पकड़ो तलवारों को उनसे, गांव में बिजली नहीं, गांव में बिजली नहीं और डिजिटल इंडिया बनाया जा रहा है और मन में धर्म और जाति की गंदगी भरी हुई है, स्वच्छ भारत अभियान चलाया जा रहा है। यह हिंदुस्तान है जैसे हम चाहते हैं, क्या इस तरह से हिंदुस्तान बनेगा? नरेंद्र भाई मोदी, तुम चौकीदार बने हो, अरे तुम इस देश की सुरक्षा की फाइल का ध्यान नहीं रख सके। पुराना था राफेल जहाज, उड़ गई फाइल, ठोको ठोको, पुराना था जहाज, उड़ गई फाइल। क्या बात है मोदी साहब, क्या बात है? 30,000 करोड़ रुपए तुमने अंबानी को दान दे दिया, उसकी जेब भर दी। मैं तुम्हें कहता हूं नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुम 2014 में आए थे गंगा के लाल बन के और 2019 में जाओगे रफाइल के तमाम बन के। ठोको ठोको मत रोको, अगर हिम्मत है तो इस सिख से आके बहस कर लो नरेंद्र दामोदर दास मोदी साहब। आओ आओ इस जात के साथ बहस कर लो, हिंदुस्तान के किसी कोने में तुम्हारे घर के गाजर में बहस कर लो। सिद्धू हार गया तो छोड़ के चला जाएगा राजनीति से, मैं जल समाधि ले लूंगा। आओ मैदान में, एक योगी हूं और तुम्हारे वाला योगी नहीं हूं मैं। वो जो यूपी वाला चीफ मिनिस्टर काहे का योगी, सत्ता का भोगी, खोद दो उसकी गोदी। मोदी जी की आदमी, अरे पकड़ लो पूंछ, मोदी जी की सेना, नरेंद्र भाई मोदी, ये सेना जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ है, ये सेना हिंदुस्तान की थी और हिंदुस्तान की रहेगी, किसी औने पौने की नहीं है। तुम आज असली मुद्दों से लोगों को भटकाना चाहते हो, तुम 2 करोड़ नौकरियों को से भटकाना चाहते हो, तुम राफेल डील से भटकाना चाहते हो, तुम किसानों की खुदकुशियों से भटकाना चाहते हो। सुना है सरहदों पे तनाव है, सुना है सरहदों पे तनाव है, अरे जरा पता तो करो क्या चुनाव है, क्या चुनाव है? चुनाव की आड़ में तुमने सारी संस्थाएं बर्बाद कर दी, सीबीआई को रबड़ का गुड्डा बना दिया, यूं चाबी दे के रबड़ का गुड्डा बना दिया सीबीआई को, रॉक भेद खोल के खड़े कर दिए। जुडिशरी हिंदुस्तान के 4 जज 4 पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, हर संस्था तुमने बर्बाद कर दी। एक फौज बती थी नरेंद्र भाई मोदी, हर फौज जंग लड़ने के लिए, तुम्हारा इलेक्शन लड़ने के लिए नहीं है भैया। पहले जब आतंकी हमले हुआ करते थे भाई तो लोग इस्तीफा दिया करते थे, शिवराज पाटिल साहब ने इस्तीफा दिया, लाखों देशमुख साहब ने इस्तीफा दिया, चिदंबरम साहब ने इस्तीफा दिया, मनमोहन सिंह जी ने एक्सेप्ट नहीं किया। लेकिन अब जब चुनाव, अब जब आतंकी हमला होता है सरहदों पे तो वोट मांगे जाते हैं, वोट मांगे जाते हैं, तो मांगे जाते, जवानों की लाशों के ऊपर खड़े होकर वोट मांगते हो, फौज के नाम पर वोट मांगते हो, दुकान चलाते हो तुम इन बातों पे, झूठ बोल के वोट मांगते हो, कभी मंदिर कभी मस्जिद की बात करते हो। न मंदिर की बात हो न मस्जिद की बात हो, अरे प्रजा रोजगार बेरोजगार है, सिर्फ निवालों की बात हो, रोटी की बात हो, बोलो ताली। कहां है रोजगार? कहा तो 2 करोड़ नौकरियां दूंगा, 8 लाख नौकरी 5 साल में आ रही हो और पिछले साल 1,10,00,000 लोग बेरोजगार हो गए। जितनी हिंदुस्तान की कंपनियां हैं, MTNL BSNL सब 30-30, 40-40, 50-50 लाख लोगों को बाहर निकाल रही,
बेरोजगार कर रही, नौजवान चौराहे पर आकर खड़े कर दिए। नरेंद्र दामोदर दास मोदी, इसका हर्जाना तुम्हें भुगतना पड़ेगा, तुम्हें खामियाजा का भुगतना पड़ेगा। नोटबंदी कोई देखा? कोई देखा गरीब के अलावा अमीर आदमी लाइन में खड़ा हुआ? देखा कोई? कोई मरा अमीर मरा कोई? और तुम कहते हो चौकीदार बने हैं, तो बताओ मेरे बहनों और भाइयों, क्या चौकीदार किसी गरीब की कुटिया के बाहर खड़ा देखा है? क्या चौकीदार किसी मजदूर के घर के बाहर देखा है? चौकीदार हमेशा अमीरों के घरों के बाहर खड़ा होता है, और अमीरों के घर के बाहर बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में गरीबों का जाना वर्जित होता है। बोलो सही है कि नहीं? तो तुम सिर्फ 1% अंबानियों के चौकीदार हो, अडानियों के चौकीदार हो, और अगर चौकीदार हो तो नीरव मोदी, ललित मोदी, मान्या भागे थे, तो ड्यूटी पे कौन सा चौकीदार था बताओ जरा? छोटा ताली से बताओ ना, ड्यूटी पे कौन सा चौकीदार था मुझे भी बताओ, मैं भी जानना चाहता हूं। मोदी था, मोदी नरेंद्र दामोदर दास मोदी, तुम्हारी पोल खुल गई, तुम्हारी पोल खुल गई। मैं आज तुम्हारे ऐसे पेटले खोलूंगा, सारी दुनिया को यह बता के जाऊंगा कि तुम कर क्या रहे हो। तुम 0.5% पूरी पत्नियों के लिए 99% किसान की पेट काट के इनका खजाना भर रहे हो। मैं पूछता हूं तुम लोगों से, किसान अगर 2 लाख रुपए का कर्जा लेता है तो ब्लैंक चेक बैंक को देता है? अगर वो एक भी कर्जे की एक भी इंस्टॉलमेंट नहीं देता तो उसको जेल में छोड़ते हो, उसको जेल में डालते हो, उसको सवालों के घेरे में खड़े करते हो, उसको बेइज्जत करते हो तुम। लेकिन अंबानी ने 46,000 करोड़ देना है तो उससे तो ब्लैंक चेक तुमने दिया नहीं। अडानी ने 1,00,000 करोड़ रुपया देना है, उसने तो तुम उसने तो उसने तो कभी ब्लैंक चेक नहीं दिया, उसको तुमने जेल में क्यों नहीं फंसा? क्योंकि उसके हवाई जहाज में तुम हवा में खून पी रहे हो ना जा। और वो सब कहना चाहते हैं, नाच मेरी बुलबुल, नाच मेरी बुलबुल के पैसा मिलेगा, कहां कदरदान अंबानी अडानी जैसा मिलेगा। किसान के लिए तुमने कुछ नहीं किया, सरकारी कंपनियां मार के तुमने इनकी कंपनियां भरी। 5 साल का अगर कोई इनका कर्जा था तुमने उसको 25 साल में माफ किया, हर वादे से तुम निकले। 1947 के पहले गोरे अंग्रेज थे, अब ये काले अंग्रेज आ गए, अब ये काले अंग्रेज आ गए और इस देश को बांटने के ऊपर तुले। मैं आपको आह्वान करता हूं और आपको ये कहता हूं कि यदि आप कांग्रेस को लेके आए तो मेरा विश्वास मानना कि हर एक गरीब को, हर एक गरीब को जितने भी हिंदुस्तान में हैं, 1 साल का 72,000 रुपया तुम्हारे घर में पहुंचेगा। 72,000। यदि कोई 6,000 साल का कमाता है तो 56,000-66,000 उसके घर में पहुंचेगा। कोई किसान है, कोई आदिवासी भाई है, कोई गरीब है, कोई मजदूर है, हिंदुस्तान में कोई ऐसा गरीब नहीं रह जाएगा जो इज्जत की रोटी नहीं खाएगा। और मोदी ने क्या किया? एक किसान की, अंग्रेजों के जमाने में एक किसान की बैलगाड़ी के नीचे अंग्रेज का कुत्ता आ गया, तो कहानी सुन रहा हूं, अंग्रेज का कुत्ता आ गया, वकील करना पड़ गया, अहमद शाह वकील करना पड़ गया। किसान की जेब में 5 रुपए, वकील बोला 100 रुपया लगेगा, जुगाड़ लगाना पड़ेगा, नहीं तो एक पता लिखा होता है ना पुलिस वालों का, फिर आन मिले ठगना, तेरी कुटाई होगी। बोला कहने लगा क्या क्या करूं? बोला तू पागल बन जाना, जज के सामने मानना ही मत, मानना ही मत, निकल जाना। बोला ठीक, तेरा क्या करे, तेरा पागल बन जाना। बोला ठीक है, जज साहब बैठे, बोला बोल, तेरी बैलगाड़ी के पीछे अंग्रेज का कुत्ता आया, तेरा पागल हो गया, जज के सामने खड़ा ही क्या करा, फिर इकबाले जुर्म करता, बोला तेरा बाहर निकालो उसको, यहां खड़ा होने के काबिल नहीं है, पागल बाहर निकालो। बाहर निकालो तो वकील भागा भागा आया, बोला कैसा था जुगाड़, तुझे बरी करवा दिया तेरा?